नमस्कार। तो आज स्ट्रॉ के दो छोटे टुकड़े और एक रबड़ के टुकड़े के ऊपर जोड़कर हम एक बहुत ही बेजोड़ खिलौना बनाकर दिखाएंगे, और ये बहुत मजा आता है इसको खेलने में। इसको मैं अगर पानी में डुबाता हूं और जोर से फूंक मारता हूं तो देखिए क्या होता है। और अगर इसी को उल्टा कर पानी में डालकर जोर से फूंक मारूंगा होली खेलने के लिए बहुत ही मजेदार खिलौना है। अगर हम इसके अंदर ये डंडी डाल दें और फिर इसको पानी में रखकर जोर से घुमाएं तो देखिए ये हमारा स्प्रिंकलर बन गया। तो बहुत ही मजेदार 3-in-1 खिलौना है। तीन तरीके से चलता है, सीटी भी बजती है, फुव्वारा भी निकलता है और स्प्रिंकलर भी चल जाता है। और बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक रबड़ का छोटा सा टुकड़ा काट लें। ये कोई भी साधारण रबड़ का टुकड़ा है, आप अपनी पुरानी चप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्ट्रॉ ले लें और इसके दो छोटे टुकड़े काट लें। ज्यादा बड़े टुकड़े ना हो, लगभग 3 इंच, 2 इंच से 3 इंच लंबे दो छोटे टुकड़े, बराबर बराबर टुकड़े हो, काट लें। और फिर गोंद से इस रबड़ के टुकड़े के ऊपर दोनों टुकड़े चिपका दें। थोड़ा सा गोंद यहां पर लगाया और थोड़ा सा दूसरी तरफ। लगाने के बाद एक स्ट्रॉ का टुकड़ा यहां पर चिपका दिया और दूसरा दूसरी तरफ। खास बात बस यहीं पर है, चिपकाएं ऐसे ताकि एक टुकड़ा दूसरी वाली स्ट्रॉ को आधा बंद कर दे। देखिए गोंद सूखने का थोड़ा सा इंतजार करें। और अब ये अच्छी तरह से सूख गई है तो अब इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। ध्यान रखिए जो स्ट्रॉ पूरी तरह से खुली हुई है उसको हम थोड़ा सा दबा देंगे तो सीटी बजती है, और अगर जो स्ट्रॉ बंद है, जिसका रास्ता बंद है, उधर से फूंक मारते हैं तो फुव्वारा बन जाता है। और फिर इसी में हम ये जब डंडी घुसा देते हैं ऊपर रबड़ में और जब हम इसको घुमाते हैं तो देखिए ये हमारा स्प्रिंकलर दूर तक पानी फेंकेगा। आखिर ये चला कैसे? जब हम यहां से फूंक मारते हैं और इस फूंक का रास्ता ये आगे वाली स्ट्रॉ रोक देती है तो यहां से जब हवा निकलती है तो उसकी गति यहां पर बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई गति के कारण यहां पर प्रेशर कम है तो पानी नीचे से ऊपर उड़ जाता है। और दूसरी तरफ से जब हम फूंक मारते हैं तो यहां पर हवा का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हवा सीधे निकल जाती है, उसकी गति ज्यादा बढ़ती नहीं है तो प्रेशर यहां पर कम नहीं होता, इसलिए पानी ऊपर नहीं आता। यहां पर हमने इसको थोड़ा सा दबा दिया तो इसलिए इसके कोने थोड़े से वाइब्रेट करने लग जाते हैं और आवाज आ जाती है। स्प्रिंकलर चलने का तो बहुत ही सरल सिद्धांत है, किसी भी वस्तु को जब हम घुमाते हैं तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है। इसमें जब हमने इसको पानी में डाला तो पानी की बूंदें जो यहां पर थी अंदर, जब घुमाएंगे तो स्ट्रॉ के अंदर जो पानी है वो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा। ये वाला बल जो बाहर की तरफ लगा, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये बाहर की तरफ जो बल लगा ये बाहर तो नहीं जाने देगा, इस बल का कुछ अंश स्ट्रॉ की दिशा में है, ये पानी को स्ट्रॉ की दिशा में ले जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है बल बढ़ता जाता है, क्योंकि स्ट्रॉ से दूरी बढ़ गई यानी रेडियस बढ़ गया। जितना ज्यादा दूर हम जाते हैं धुरी से उतना ज्यादा बल लगता है और पानी उस गति से बाहर निकल जाता है। तो आशा है आपको ये 3-in-1 खिलौना जो कि रबड़ के टुकड़े और दो स्ट्रॉ को जोड़कर हमने बनाया पसंद आया होगा। इससे आप सीटी बजा सकते हैं, होली के लिए फुव्वारा बना सकते हैं और पौधों को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर। कल्पना कीजिए हमारे बच्चे जब भी स्कूल आए इस स्प्रिंकलर से अगर अपने बाग में पानी देंगे, स्कूल के बागों में या घरों में, तो निश्चित ही हमारी धरती हरी हो जाएगी। और एक और प्रयोग कर सकते हैं,
कक्षा में सभी बच्चे मिलकर अगर अलग अलग शेप का ये फव्वारा बनाए तो ये कंपटीशन भी कर सकते हैं कि किसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा अगर हम उसको पानी में रखकर ऐसे घुमाएंगे तो। तो आशा है आपको ये सीटी और फव्वारा और स्प्रिंकलर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।